है ना फाइनल लगाने जा रहे हैं। लाइक है लाइक कोई पतंग बाहर लाइक भाई ये पतंग वाले हैं। मैं ऑफिस में भाई कभी बहुत भाई बहुत थी भाई ऐसे पहुंच गए थे ये देखो कुछ किलो पतंग की 200-300 मीटर बढ़ रहा है गए यार ये तो क्या चीज़? 7 स्टार इधर खड़ी है, आखिरी पेच है, जो काट देगा वो नहीं, इनके लिए तो खैर आखिरी है, सामने वालों के लिए काटना है कितने पेच करीबन? उनको 6 पेच काटने, हम लोग को 1 पेच काटना है। 7 स्टार को 1 पेच काटना है, यानी कि स्कोर है 4-8 का। हाँ 3-8 का स्कोर है। 3-8 का है। अच्छा 6 पेज उन्हें काटने हैं। चलिए कौन लड़ा रहे हैं, क्या नाम है इनका? यासिर भाई लड़ा रहे हैं। चलिए 7 स्टार से ऊपर का पेज ले रहे हैं, तो सेमीफाइनल का होगा अगर आखिरी पेज अगर ये यासिर भाई काट देते हैं 7 स्टार की तरफ। हवा बहुत ही अच्छी है वो देखिए, यहाँ पे देखिए, चलिए मुड्ढा रखवाया जा रहा है। 64 टीमों का जबरदस्त आयोजन हुआ था, लगातार गेम्स हुए, हालांकि मैं ऑल इंडिया में फंसा रहा, लेकिन ये वादा था कि फाइनल में मैं ज़रूर अवेलेबल रहूँगा। और इस तरह से ये फिलहाल अभी पतंग की चेकिंग हो रही है। 7 स्टार और नया दौर है मेरे ख्याल से सामने, उन्होंने 3 पेज काटे और 7 स्टार जो कि शालम भाई की ही टीम है, हमारे शालम भाई देखिए सतीश भाई के साथ खड़े हैं, इनकी टीम पहुँच गई है सेमीफाइनल में और बहुत बढ़िया लड़ाया होगा तभी यहाँ तक पहुँचे। चलिए देखेंगे, यासिर अगर पेज काट देते हैं तो ये फाइनल में पहुँच जाएंगे। ASC पहले ही पहुँच चुकी है, ASC गोल्डी जेबू सलमान। विरासत लेंगे आखिरी पेज अगर ये चाहे तो, नहीं तो अभी बहुत सारे पेज लड़ा सकते हैं, इनके हाथ में है जो होना है। सेमीफाइनल का ये आखिरी गेम है, 64 टीमों का मैच, आइडियल काइट फ्लाइंग एसोसिएशन द्वारा आयोजित हुआ लोकल, बहुत ही अच्छे मैच हुए और विरासत पेश ले रहे हैं। आपके साथ कौन 3 लड़ा रहे थे? 2 और यश और अतुल। अच्छा ये यश है, ये भी बढ़िया लड़ा रहे, काफ़ी नाम सुन लिया हमने इनका, हालांकि पेश नहीं दिखा पाए, कोई बात नहीं दोबारा दिखाएंगे। चलिए मिट्टी लगा लिया है, स्कोर है 8-3 का। चलिए एक पतंग से भी आप बहुत सारे मैंने बताए हैं कि लोगों ने बदल दिया है। चलिए पेस देखते हैं विरासत का, ऊपर से रहेंगे यासिर। पेस सही है, लेफ्ट साइड वाली पतंग देखिए, लेफ्ट साइड वाली पतंग देखिए, पेच की रेंज तकरीबन 500 मीटर लेफ्ट साइड नीचे विरासत, ऊपर से यासिर बाहर की तरफ निकालते हुए विरासत ने पट किया। चलिए बहुत अच्छी हवा, बहुत अच्छी रेंज, पेस सही है, लेफ्ट साइड वाली पतंग देखिए विरासत, ऊपर से रखते हुए अपोनेंट यासिर 7 स्टार। विरासत अंदर की जगह बनाए, उन्होंने गद्दा रखना शुरू किया, विरासत ने बाहर की तरफ खींचा है, पूरा गद्दा चल रहा है, विरासत ने पतंग रोकी, उन्होंने भी रोकी, उन्होंने गद्दा मारा, इन्होंने क्रॉस मारा, बढ़िया पेज काटा है और फिलहाल जिंदा रखा है यासिर ने, माफ़ कीजिएगा विरासत ने, बढ़िया क्रॉस पट मारा था, एक एंड पे दोनों ने रोका पतंग, उन्होंने गद्दा चला बाहर का और विरासत ने बढ़िया क्रॉस मारा है पट, पूरा ताकत से स्कोर कर लिया है 8-4 का। चलिए 7 स्टार से ऊपर से पेश लेने हैं हमारे इमरान भाई और नीचे से यासिर बने हैं, इससे पहले बढ़िया पट मारा था, ऊपर से रखते हुए पेज की रेंज समझ लीजिए 550 मीटर से ज़्यादा, बहुत अच्छी हवा, लेफ्ट साइड नीचे से या हमारे हैं विरासत और ऊपर से इमरान भाई हैं, देखिए 7 स्टार। सेमीफाइनल का ये मैच चल रहा है, राइट साइड वाली पतंग ने 8 पेज काट रखे हैं, पेज सही है, पेज सही है, ये जैसे ही पेस सही हुआ है इमरान की पतंग गई है टूट और ये खींच के बाहर उनके बल काट दिए, तो स्कोर हो गया है 8-5।
किस्मत यही होती है, कोई भी टूर्नामेंट होता है दोस्तों, कुछ भी हो सकता है। सेवन स्टार को समझ के चलना होगा, कस के चलना होगा हर पतंग को। ये टूर्नामेंट है, यहाँ कुछ भी हो सकता है। चलिए ऊपर से कौन है अब, राइट साइड वाली पतंग देखिए, अनस लड़ा रहे हैं सेवन स्टार से। नीचे से यासिर बने, माफ़ कीजिएगा, क्या नाम है, विरासत बने हुए हैं। लेफ्ट साइड वाली पतंग देखिए, ताकत से अंदर लेते चले जा रहे हैं, फिर रोका। दोनों पतंगों में फटाव देखिए कितना ज़्यादा है, एक दूसरे के पाले में बिल्कुल बड़े हुए। पेज की रेंज मेरे पास से 450 मीटर से ज़्यादा ही होगी मेरे ख्याल से, पेज सही है। ये देखिए बिल्कुल वहाँ पे उतारा है, क्या नाम था, मैं फिर भूल गया इसका नाम। फिलहाल लेफ्ट साइड वाली पतंग देखेंगे, नीचे से है यासिर पट कर रहे हैं, सेवन स्टार के मेंबर हमारे। देखिए राइट साइड वाली पतंग है, कम करके ला रहे हैं। सेमीफाइनल ये दूसरा चलता हुआ, पहला में सेमीफाइनल आकाश काई क्लब कटी थी एएससी से और वो फाइनल में पहुंच चुके हैं। चलिए पेज की रेंज मेरे पास है अब 400 मीटर के करीब, बाहर का गद्दा शो किया है। और इस तरह से सेवन स्टार फाइनल में पहुंच गई है। बहुत बहुत बधाई, बहुत अच्छा गद्दा मारा है यहाँ पे, क्या नाम है, अनस भाई, अनस ने बहुत ही अच्छा गद्दा मारा, कम करा के शानदार गद्दा मारा। और ये देखिए शालम भाई जो है बधाई देते हुए, राज भाई आए हैं बधाई देने, बहुत बहुत बधाई। तो सारी टीम बधाई दे रही है, एक तरह से ये कमेटी की ही टीम है अपनी, लेकिन बहुत ही अच्छे पेच लड़ा के और फाइनली जो है फाइनल में पहुंच चुकी है। बहुत अच्छा गद्दा मारा कम करा के, उनकी बढ़, उन्होंने हालांकि अंदर खींचा ज़रूर था लेकिन बढ़ पहले ही हो गई थी। हाँ लेकिन जो है हम बताते तो हैं सलमान भाई, तो क्या गलती हुई सलमान भाई यहाँ जरा बताइए। गलती नहीं, भाई ने बहुत अच्छा गद्दा मार दिया, हाँ अंदर खींचा था, अच्छा खींचा था, लेकिन पावर से पावर लगा दिया ज्यादा, कहीं ना कहीं थोड़ी सी बढ़ थी हल्की सी इसी वजह से, लेकिन अच्छा गेम उन्होंने भी लड़ाया। और सेवन स्टार को तो बहुत बहुत बधाई शालम भाई, आपको बहुत बहुत मजा आया, इमोशनल हो रहे हैं हमारे शालम भाई, बहुत बहुत बधाई, इमोशनल हो रहे हैं शालम भाई, बिल्कुल इमोशनल ना होइए, बहुत बहुत आपको मुबारक हो, आपके लड़कों ने पहुंचा दिया आपको सेमीफाइनल में। चलिए इमोशनल होने का ये पल भी होता है। चलिए फाइनल का टॉस लगे हाथ हमारे एएससी के सलमान खड़े हैं, सेवन स्टार, आइए सालम भाई, चलिए कंट्रोल करिए थोड़ा सा, हाँ बिल्कुल, अब हम करेंगे फाइनल का टॉस। चलिए चलिए आज हमारे टूर्नामेंट हुआ है, उसके दो फाइनलिस्ट निकल के आए हैं, बिल्कुल एएससी, हाँ एंड सेवन स्टार, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, दोनों के बीच टॉस होने जा रहा है। चलिए और मेरी विशेष है दोनों के लिए, हाँ बिल्कुल दोनों के लिए ही बधाई है, जो अच्छा लड़ाएगा दम से लड़ाएगा वही जीतेगा, दोनों को बधाई। चलिए टॉस, हाँ चलिए, हेड बोला है और टेल्स आया है, यानी फिलहाल तो जीते हैं हमारे सलमान टॉस में, और इन्होंने बता दिया कि लेफ्ट साइड लेंगे। चलिए देखेंगे इन दोनों के बीच गेम जी, बिल्कुल, और ये विश करते हुए हमारे आशु भाई दोनों फाइनलिस्ट को, बिल्कुल। सेवन स्टार लड़ाने आ रही है अपना फाइनल पेच, मतलब फाइनल मैच, और यासिर भाई पेच लेंगे क्या, चलिए यासिर भाई पहला पेच लेने आ रहे, सामने होंगे एएससी के मेंबर और सलमान जहां तक लेंगे पहला पेच। तो फाइनल का पहला पेच हम देखने जा रहे हैं, नीचे से गोल्डी है, आइए भाई गोल्डी भाई साहब आए, ऊपर से यासिर सेवन स्टार, एक मुड्डा थोड़ा नीचे करे तब पेस सही है। फाइनल का मैच चल रहा है, दिक्कत यह है कि दूसरी तरफ सीनियर्स का भी मैच चल रहा है, तो दोनों पेज एक साथ चल रहे हैं, तो फिलहाल फाइनल मैच ही रिकॉर्ड करूंगा। चलिए काफ़ी ज़्यादा नीचे करा है, लेफ्ट साइड वाली पतंग ऊपर से यहाँ से सेवन स्टार की, गोल्डी भाई ने थोड़ा पट किया, पेस सही है बिल्कुल, बहुत ही मेहनत किया है इस कमेटी ने IKFA ने, और फिलहाल फाइनल मैच आपको देखने को मिल रहा है। बहुत सारे दिक्कतें हुई,
कोई छोड़ के चला गया, कोई वॉक ओवर दे दिया, ये सब के बावजूद आज फाइनल मैच हो रहा है बढ़िया। सेवन स्टार ने अपने एक एक पेच काट के आए हैं, जबकि एएससी को एक दो मैच जो है वॉक ओवर से मिल गए हैं। फिलहाल सेमीफाइनल इन्होंने आकाश काई क्लब को काटा है 5-9 से, और 5-9 से ही सेवन स्टार ने भी जीता है, ये तो भाई कमाल की बात हो गई। सामने थी नया दौर लेफ्ट साइड ऊपर से रखते हुए, गोल्डी ने नीचे कराया, खाली कराया। गोल्डी जो है लगातार पतंग को खाली करवाते हैं और पतंग कम करा रहे हैं, ध्यान से समझेंगे, पेज की रेंज ज़्यादा थी, अब ये पेज कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल हो गया। गोल्डी भाई ले रहे अपना पहला पेच, सामने है यासिर ऊपर से, चलिए फाइनल का मैच देख रहे हैं हम लोग, पहला पेच देख रहे हैं, पीछे हैं सलमान भाई हमारे, ध्यान से समझेंगे पेच को दोस्तों। लेफ्ट साइड वाली पतंग देखिए, ऊपर से यासिर, नीचे है गोल्डी, राइट साइड यासिर रखते हुए गोल्डी बाहर की तरफ खाली करा रहे हैं, थोड़ी पतंग बाहर की ऐसा लग रहा है। रेंज 350 मीटर, बड़ी और भारी पतंग है गोल्डी भाई की। लेफ्ट साइड वाली पतंग ऊपर से गद्दा रखते हुए यासिर, सेवन स्टार पहला पेज खाली करा, कैंसिल हो गया था। देखिए वो रखते हैं, गोल्डी भाई बाहर निकालते हैं, और रखा गोल्डी ने और खाली कराया, वही पतंग को चलाया गोल्डी भाई ने, गद्दा मारा अंदर की तरफ, थपक रहे हैं, और ये देखिए उठते हुए मुड्डे पे थपक लिया उन्होंने भी, बढ़िया पेज काटा है सेवन स्टार के मेंबर, पहला पेज काटा गोल्डी भाई को, अंदर की थपके लगा के रुकना चाह रहे थे लेकिन उन्होंने भी उठते हुए मुड्डे पे थपक लिया और उनका झोल कट गया, अच्छा पेज काटा है सेवन स्टार के मेंबर यासिर ने, पहला फाइनल मैच चल रही है। अब लेफ्ट साइड वाली पतंग देखेंगे दोस्तों, ऊपर से यासिर, नीचे सलमान, राइट साइड वाली पतंग देखिए अंदर अंदर बने हुए, पेज की रेंज 450 मीटर, रेंज बहुत अच्छी है। लेफ्ट साइड वाली पतंग देखिए, गद्दा रखते हुए सलमान ने पतंग को चलाया, खड़ा खींचा है उन्होंने, गद्दा मारते चले जा रहे हैं, गद्दा पड़ा है करार रा, यासिर ने लगातार दूसरा पेज काटा है, ये तो बड़ा ही उलट पुलट होता जा रहा है, खतरनाक टीम मुझे कुछ और लग रही थी, एएससी तो वाकई खतरनाक ही है लेकिन यासिर अपना जलवा बिखेरते हुए भाई, वाह सेवन स्टार जिंदाबाद। अपना तीसरा पेच लेने जाएंगे यासिर, इस तरफ खेमा खड़ा हुआ है हमारे एएससी का, एएससी के सपोर्टर्स और मेंबर्स सारे इधर खड़े हैं, आतिफ भाई हमारे दिख रहे हैं, पीछे आरिफ सर की पतंग पार करते हुए गोल्डी भाई, चलिए इनमें से ये नहीं समझ में आता कौन उस्ताद है कौन शागिर्द है इन दोनों में से। फिलहाल दो पेच काट के सेवन स्टार आगे है, 9 पेच का गेम होना है, अगला पेच लेने यार नीचे से जेबू, यासिर ले रहे अपना लगातार तीसरा पेच, अब जेबू भाई की बारी है जो राइट साइड वाली पतंग है नीचे से, जेबू पेच फेरे जा चुके हैं, सही भी कर दिया गया, पेस सही है, शालम भाई चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं, इधर लाइट नहीं आ रही है तो माइक्स जो है अभी काम नहीं कर रहे हैं। चलिए देखिए अगर पेपर पे देखेंगे तो एएससी कहीं आगे है, खिलाड़ियों में भी सलमान, जेबू, गोल्डी और यासिर ऊपर से रखते हुए, लेकिन वही बात है कि टूर्नामेंट है, नॉर्मल गेम्स और टूर्नामेंट्स में फ़र्क है और जब भी ऐसी हवाएं चले तो और फ़र्क हो जाता है, लेकिन बहुत अच्छे पेज लड़ा रहे हैं आप यासिर, किस्मत के बदौलत नहीं अपने हाथ के बदौलत पेज काट रहे हैं, पहला पेज गोल्डी को, दूसरा पेज सलमान पे पूरा गद्दा मार दिया, सलमान ने ताकत पे भरोसा कर लिया, बहुत ज़्यादा ऊँची पतंग होती चली गई, थोड़ी सी पतंग यासिर की देखा आपने अंदर की तरफ गई थी, देखिए अभी भी अंदर जा रही है, यानी बाहर की पतंग है, इनकी बाहर की पतंग है, चलिए रखते हुए पतंग को चलाया जेबू भाई ने, और करीब कर रहे हैं, और कर ताकत से बाहर खींचा और ये बराबर हो गया पेज बराबर, ये पेज ज़रूर काट देते हमारे जेबू, मुझे अच्छी तरह से लग रहा था क्योंकि झोल बहुत पीछे छोड़ आए थे और इसी का फ़ायदा उठा के ताकत से बाहर खींचा था, लेकिन मैंने कहा किस्मत है ये,
तुरंत पेच बराबर हो गया, बढ़िया। यासिर ने बहुत दूर से चलना स्टार्ट कर दिया था, बहुत ज़्यादा झोल छोड़ के चल रहे थे, इस बात का फ़ायदा उठाने की कोशिश तो की थी लेकिन पेच बराबर 100% ये पेच काट दिया था इन्होंने। लेकिन पहला पेच गोल्डी गड्ढे, दूसरा सलमान, तीसरा जेबू भाई से लड़ रहा था बराबर, चौथा पेच फिर से होने आ रहा है, यानी तीसरा ही समझ लीजिए, फिर जेबू भाई नीचे से। पेच सही है, लेफ्ट साइड वाली पतंग ऊपर से यासिर 7 स्टार बाहर की तरफ निकालते हुए, उन्होंने चक्कर देके पट मारा है जेबू भाई ने, उन्होंने पतंग को चक्कर दिया, रुका लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड पतंग देखिए ऊपर से 7 स्टार यासिर, ताकत से अंदर खींच रहे हैं, वो अंदर की तरफ लेके जा रहे हैं। यासिर बाहर का गद्दा शो किया, इन्होंने भी बाहर दिखाया, पतंग को रोका, तेज तेज चलाया पतंग को, यह मारा फिर से, रे भाई गजब गजब गजब। वो देखिए उधर तालियां बज रही हैं, 3-0 होते हुए एसी, ये तो एक तरफा करते जा रहे हैं। यासिर सोचना होगा, सोचना होगा, एक पतंग से भी कुछ भी कर सकता है कोई भी। थोड़े से मायूस दिखते हुए सलमान पीछे से, कोई दिक्कत नहीं है। आए दोस्तों एक बार फिर से गोल्डी नीचे से आ रहे हैं, फिलहाल किस्मत और बढ़िया पेच 7 स्टार के साथ है। एएससी से चौथा पेच लेने आए हैं हमारे गोल्डी, 3-0 से 7 स्टार आगे, ऊपर से यासिर रखते हुए वो खाली करा रहे हैं। अरे वह देखिए भैया, आप कहेंगे कि टूटी है, बिल्कुल हो सकता है, मुझे लगता है झोल छू गया, किस्मत बुलंद है 7 स्टार, जिंदाबाद भाई, वाह क्या बात है, इसे कहते हैं किस्मत। एएससी मैंने कहा पेपरों पे सबसे मजबूत टीम इस टूर्नामेंट की रही, लेकिन आप देख रहे हैं धुरंधर है एएससी में, समझ लीजिए सलमान, जेबू, गोल्डी की तो खैर कोई तुलना ही नहीं है किसी खिलाड़ी से, लेकिन किस्मत देखिए ऐसी ही होती है। 4-0, कमाल हो गया ये तो। गोल्डी पतंग को देख रहे हैं मायूसी से, पेस सही कर दिया गया है, 5-0 से आगे है 7 स्टार, लेफ्ट साइड ऊपर से फिर यासिर, नीचे से है हमारे सलमान, बढ़ करके रखा हुआ पेस सही है, बढ़ करके रखा, देखिए पतंग सलमान की कितनी दूर है, राइट साइड वाली पतंग, पेज की रेंज मेरे पास से 450 मीटर से ज़्यादा है, और उससे भी ज़्यादा सलमान की पतंग, ऊंचा करते चले जा रहे सलमान, रोका राइट साइड वाली पतंग सलमान की नीचे से, ऊपर से यासिर अंदर की तरफ जगह बना रहे, मैं लगभग बीचों बीच खड़ा हूँ, हवा चल रही है 14 किलोमीटर का पछियाव चल रहा है, गज़ब का हवा है, अंदर की तरफ आते हुए यासिर करीब कर रहे हैं, यासिर वो अंदर लेके आ रहे हैं, चलिए गद्दा रखते हुए, वाह देखो भैया फिर पतंग टूटी, पेच लेकिन सही है, और काटा है 6-0 से। अब क्या कहेंगे आप बताइए भैया, हम लोग हमेशा कहते हैं ना किस्मत का गेम होता है, अब क्या कहेंगे, कमेंट करके बताइए ये क्या हो रहा है। लगातार यासिर जो है अपना 7वां पेच लेने जा रहे हैं, चलिए नीचे से पेच लड़ाएंगे गोल्डी,
चलिए भैया सातवा पेज अब देखते हैं। गोल्डी भाई कुछ करो भैया, अच्छा मैच देखना है, एक तरफा मैच नहीं देखना है, कि अच्छा मैच भी होना चाहिए। फिलहाल यासिर की या फिर पूरे सेवन स्टार की किस्मत और पेच लड़ाने का तरीका दोनों साथ है और जगह भी साथ है। मुझे तो लग रहा थोड़ा जगह में ही डाउट है, क्योंकि इससे पहले जो पेच मुझे लगा कि सलमान टूट गए हैं, बाकी खिलाड़ियों ने कहा कि नहीं पेच कटे थे, झोल चिपक चुके थे वो। तो इससे साफ जाहिर है कि जगह कुछ गड़बड़ चुन रहे हैं एएससी के मेंबर। अंसार सर की ये टीम है, एएससी का फुल फॉर्म हुआ अंसार हैंडीक्राफ्ट। चलिए लेफ्ट साइड वाली पतंग देखिए, पेज की रेंज 450 मीटर से ज़्यादा। लेफ्ट साइड वाली पतंग यासिर की, गोल्डी भाई इस बार पतंग को बढ़ करके दे रहे हैं, पतंग को चलाया, उन्होंने गद्दा रखा, बाहर की तरफ गद्दा शो किया, उन्होंने चक्कर दिया, अंदर की तरफ खींच रहे, ये गद्दा मारते चले जा रहे हैं ताकत से, वो अंदर की तरफ दिखाते चले जा रहे हैं और गद्दा चलते चले जा रहे हैं वो अंदर की तरफ। इस बार काटा है गोल्डी ने, इस बार गोल्डी ने काटा है बढ़ रख के। इस बार देखिए कितनी पतंग बढ़ है उनकी, ऐसी लग रही यहीं कहीं पतंग कटी है। इस बार अंदर दिखाते रहे बढ़िया पेस ताकत से, अंदर दिखाते चले गए दिखाते चले गए। टेक्निकली अच्छा पेस काटा गोल्डी ने और खाता खोला है एएससी का। सलाहकार चाचा बैठे हैं हम साथ में, शेखर भाई हैं, शेखर भाई हैं, तो इनका जो है मार्बल का भी काम है ना। कहाँ है आपकी ये शॉप? कई सारे लोग होते हैं कि ढूंढते रहते हैं कोई मिल नहीं पाता। बालागंज से जब आएंगे हरदोई रोड आगे दुबग्गा। अच्छा बालागंज दोस्तों देखिए इसी तरफ पड़ेगा, दुबग्गे से पहले ही एक इंडियन ऑयल पेट्रोल टंकी के ठीक सामने से। नंबर दे दीजिए लगे यहाँ 9350 49987। सस्ते से महंगा सब मिलेगा, तो मार्बल या फिर टाइल्स वगैरह चाहिए तो शेखर भाई से संपर्क कर सकते हैं हमारे। इदरीस उस्ताद भी आए हुए हैं हमारे, पेज का लुफ्त उठा रहे हैं। सही लग रहा है टूर्नामेंट? बहुत बढ़िया लग रहा है, बहुत बढ़िया। अब आप आ गए तो और बढ़िया होगी। आप आए इसलिए अच्छे हो गए टूर्नामेंट। हर आदमी का हिस्सा अपनी अपनी होता है। जी जी, अपनी जगह हमारी अपनी जगह, हर आदमी का मुकाम अलग अलग होता है। जरूर सही बोला आपने, बिल्कुल सही बोला है। दिलों की धड़कन है भाई उस्ताद, दिलों की धड़कन है। बहुत सारे लोगों को नहीं पता है कि आप आगा भाई के भी उस्ताद है। बिल्कुल बिल्कुल, हमने वैसे सबको जानकारी दे दी है। उस्तादों के उस्ताद हैं हमारे इदरीस उस्ताद, आए हुए हैं गेम देखने। सदाकत चचा, शेखर भाई सब लोग मौजूद हैं। अभी थोड़ा सा आराम कर रहे हैं, तुमको क्या दिक्कत है भाई? अभी इनामात के जो डिस्ट्रीब्यूशन होना है वो भी अभी चल ही रहा है, जब तक कोई फाइनलिस्ट निकल के नहीं आया। और सीनियर सीनियर्स का भी गेम चल रहा है। अरे क्या हो गया इसको, छः और एक का स्कोर है। नीचे से अनस गए हैं सेवन स्टार से, ऊपर से हैं गद्दा स्पेशलिस्ट हमारे सलमान। गोल्डी ने पहला पेच काट के दिया है सलमान को। पेच की रेंज मेरे पास से 500 मीटर के करीब। थोड़ा सा ब्लर आ रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है भाई? सही आ जाओ, चलिए अब ठीक है। लेफ्ट साइड वाली पतंग देखेंगे अनस, यंग खिलाड़ी, और सलमान उतने ही खूंखार ऊपर से। पेस सही है, 6-1 का स्कोर। फाइनल ये मैच चल रहा है, आप लोग फाइनल देख रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब करिए। गद्दा रखते हैं, उन्होंने थोड़ा सा खाली कराया और गद्दा रखा, बिल्कुल गद्दा रखा, उन्होंने चक्कर लिया, सलमान ने भरा बाहर की तरफ, वो बाहर की तरफ खींच रहे हैं, ये काटा। चलो भैया 7-1, कमाल है। अनस भी पूरे गद्दे को चीरते फाड़ते ख़त्म कर दिया, चर्रा के बाहर खींचा, और पतंग भी थोड़ी सी लाम बनती हुई बाहर गिर भी रही थी। बहुत बढ़िया पेच काटा है अनस ने। सलमान थोड़े से मायूस, नाराज खुद से। सही बात। अब देखो वहाँ डालमिया छोर से लेने जा रहे ऊपर का पेज। अब सलमान के बाद जेबू,
अनस जो हैं वो दोबारा यानी दूसरा पेज अब ले रहे हैं अपना, 7-1 का स्कोर है। सलमान के भी गद्दे को ख़त्म कर दिया, पेस सही है। लेफ्ट साइड नीचे से और ये चल रहा है, IKFA द्वारा आयोजित इस लोकल टूर्नामेंट को आप देख रहे हैं। फाइनल मैच चल रहा है ASC वर्सेस 7 स्टार और 7-1 से 7 स्टार आगे है, बिल्कुल उल्टा पुल्टा करते हुए 7 स्टार के मेंबर्स। बहुत ख़तरनाक लड़ा दिया लेफ्ट साइड नीचे से अनस रखते हुए गद्दा, यहाँ पे जेबू भाई हल्का बाहर लेके राइट साइड वाली पतंग देखिए ऊपर से करीब करा रहे हैं, ऊपर से राइट से उन्होंने खींचना स्टार्ट किया हुआ और वहीं से जो है कम से खींच दिया और जेबू भाई ने खड़ा गद्दा नीचे मार दिया मौका लेके। बहुत जल्दबाजी इस बार की है, ये गड़बड़ पेच लड़ा दिया, अब तक अच्छे पेच लड़ाए थे, बहुत जल्दबाजी कर गए। झोल पीछे बना रहा और वहीं पे तुरंत पटक के गद्दा मार दिया, अच्छा पेच काटा, 7-2 का स्कोर है। थोड़ा सा जो है चेहरे पे मुस्कान है गोल्डी के। अब आइए दोस्तों डालमिया छोर से हमारे जो है जेबू बने हुए ऊपर से लेफ्ट साइड वाली पतंग देखेंगे, नीचे से 7 स्टार के मेंबर जिन्होंने 6 गद्दे मारे थे। क्या नाम है बताइए, 6 गद्दे में मैं उनके नाम याद रखे हुए था, अब नाम भूल गया मैं। पेज सही करवाइए, फेरो फेरो पेज फेरो। चलिए पेज फेरे जा रहे हैं। अरे शालम भाई क्या नाम है नीचे से उनका, यासिर यासिर यासिर। चलिए भैया नाम भूलने की बीमारी हो गई लग रहा मुझे। लेफ्ट साइड नीचे से यासिर, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। फाइनल मैच देख रहे हैं आप, टक्कर का गेम अब चल रहा है, 6-0 से आगे थी 7 स्टार। गोल्डी भाई ने पेच काटे पहला, उसके बाद सलमान गद्दा मारने में कट गए, फिर जेबू ने 2 पेच काटे हैं। अब जेबू ऊपर से पेच लगातार लेते हुए, चलिए अंदर उतरे हैं, बाहर का गद्दा शो किया, उन्होंने भी बाहरी खींचा है, सनलक खिंचाई क्या गेम चल रहा, फिर गद्दा पड़ा, ताकत का गेम अपना रहे हैं। अब जो है 7 स्टार यहीं दिक्कत हो रही है, करीब कराएँ टेक्निकल लड़ाएँ, थोड़ा खाली कराएँ और नीचे कराएँ, चढ़ के लड़ाने की बजाय थोड़ा गेम को बदले, नहीं तो कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे तो ASC ज़्यादा बड़ी टीम है 7 स्टार से। आए दोस्तों 7-4 का स्कोर हो गया है, ASC धीरे धीरे करीब आती हुई धाकड़ तरीके से जेबू ऊपर से बढ़िया पेज लड़ाते हुए लगातार 3 पेज काट रखे हैं। नीचे से अमान है, अमान ही तो नाम है, जेबू ऊपर से लेफ्ट साइड, इनको क्या हो गया सब दौड़ रहे हैं, लेफ्ट साइड नीचे से 7 स्टार के मेंबर ये रखा जेबू ने, उन्होंने पट किया लेफ्ट साइड नीचे से, राइट साइड ऊपर से करीब करा रहे हैं, दोनों ने रोका खींचना स्टार्ट किया। अबे यार लगातार, अबे यार जानते हैं क्यों कहा मैंने, क्योंकि ताकत पे भरोसा कर रहे हैं अब 7 स्टार के खिलाड़ी, गलत कर रहे हैं। यहाँ पे पीछे से आलम भाई की आवाज़ सुनाई थी कि रुक जा बे रुक जा, यानी थपकना था। बहुत ही शानदार ये गद्दा मारा है हमारे जेबू भाई ने, स्कोर कर लिया है 7-5, कमाल हो गया ये तो। अब आपको थोड़ा सा सन्नाटा जो है 7 स्टार में और थोड़ी हलचल जो है ASC में दिख रही है, ऐसा ही होता है, अभी तक उधर सन्नाटा पसरा था इधर हलचल थी, यही है भैया टूर्नामेंट्स के गेम, कमाली होता हुआ। लगातार 4 पेच काट दिया है हमारे जेबू भाई ने, मेरे ख्याल से स्कोर यही है 7-5 का, और शांति बनाए हुए हैं 7 स्टार के सारे मेंबर्स, कुछ डिस्कशन करते हुए कुछ बताते हुए। ये डालमिया छोर जो है जेबू भाई के लिए हमारे बेनिफिशियल है, चलिए लगातार 4 पेच काट के बने हुए हैं,
स्कोर है 5, एएससी का 7 स्टार का है 7। लगा लीजिए मिट्टी भैया। टाडान टाडान, एएससी के सपोर्टर और पूरा खेमा जो है इस तरफ है, 7 स्टार का इस तरफ है। चलिए पेज को फेरा जा रहा है नीचे से, 7 स्टार से आ रहे हैं इमरान, ऊपर से जेबू भाई बने हुए हैं। फाइनल मैच चल रहा है IKFA द्वारा आयोजित, इस 64 टीम जो लोकल लखनऊ की थी उनको आमंत्रित किया गया था और आज फाइनल देख रहे हैं हम लोग, और गज़ब का फाइनल होता हुआ, कहीं एक तरफा का गेम जितने ये मन में बना रखे थे, अरे अब तो आराम से जीत जाएगी SC, आपकी गलत फहमी थी सर, 6-0 का स्कोर था। आसिफ भाई देखिए, बहुत बहुत बधाई आपको, सेमीफाइनल में पहुंचे हैं कि नहीं भाई, कट गए। अरे यार आसिफ भाई कोई बात नहीं, आसिफ भाई ने बहुत अच्छे पे लड़ाए ऑल इंडिया में कट गए, कितने प्यार से बोल दिया इन्होंने। हाँ राइडर ये हैं, हमें लगा हीरो से हैं, थोड़ा कंफ्यूजन होता रहता है भाई कट गए बहुत ही बढ़िया खिलाड़ी भी आसिफ भाई हमारे। चलिए ये पेज देखते हैं, हाँ इनका हीरो से लड़ रहा था याद है, नींद आ रही है अब, पेज धीरे लड़ा रहे हैं, क्या करना है इमरान को, ठीक है ऐसे पेज लड़ाइए चलेगा, जल्दबाजी में पेज लड़ा दिए पूरे 4 पेज और इसका जेबू भाई ने भरपूर फ़ायदा उठाया, ऊंचा कर रहे हैं, जगह ही नहीं दे रहे हैं रखने की, फिर अंदर लेके आ रहे हैं, अब अंदर लेके आए, ऊंचा करते चले जा रहे हैं, जेबू रखे किधर समझ नहीं पा रहे जेबू भाई, थोड़ा पट करके आएंगे तो रखने का मौका मिलेगा, जगह मिलेगी, और बढ़ रखा है जेबू भाई ने पतंग को, जो है राइट साइड वाली पतंग देखिए सीधे हाथ को बढ़ रखा है, जैसे अंदर लेके जाते हैं वो देखिए ताकत से जल्दी नीचे कर रहे, देखिए कितनी तेज़ी से, और गद्दा रखा इन्होंने और नीचे कराया और लेके जा रहे हैं, अब जेबू भाई पतंग को हटा रहे लेकिन हटाने नहीं दे रहे, बढ़िया अच्छा है पेच है कि नहीं अब ये देखना है, वो काटा, बहुत अच्छा पेच लड़ाया भाई इमरान ने, वाकई इन सारे पेचों में सबसे अच्छा पेच इमरान ने लड़ा दिया, वाह 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 भाई वाह, जल्दी से जैसे ही इन्होंने लगाई थी सीधा बल ऊपर किया, ऊंचा कर लिया पतंग और अंदर के बल रखे, भैया हो गया है 8-5 का स्कोर, अब काटो 4 एएससी, इनको काटना है 1। नहीं बहुत उमदा पेच काट दिया जो बात है, बहुत इस समय सबसे अच्छा पेच पूरे मैच में इमरान नहीं काटा। तो सलमान आए हैं कैंपल रोड से, आपका क्या नाम है? इसहाक। वाह क्या बात है, कुछ यूनिक नाम है आपका बहुत बढ़िया, इसका क्या मतलब होता है इसहाक मतलब? अरे यही तो नहीं पता। चलिए कोई बात नहीं, कोई बात नहीं पता होगा, हाँ अच्छा अच्छा कोई बात नहीं, इसहाक हम लोग आपको बहुत दूर से देखते आए, पहले आगे गए टूर्नामेंट में आगे, अच्छा ऑल इंडिया, या एक्चुअली यहाँ फाइनल चल रहा है, जी फाइनल चल रहा है, तो यहाँ पर आए हम लोग, आप ढूंढ रहे थे। तो सलमान और इसहाक आए हुए हैं और काइट कल्चर के फैन हैं जी, काइट कल्चर के फैन है, मजा आता है पतंग, बहुत बढ़िया देखना आपको, बहुत बढ़िया बहुत चीज अच्छी बात है, बात ये बहुत आप के वीडियो देखा करते हैं, हमें भी दिखाया करते हैं, असल मेरे पास तो मोबाइल नहीं मगर ये देखा करते हैं, अच्छा इजाक बता रहे हैं, अरे वाह कोई बात नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया आपका, इसी तरह आपका बहुत शुक्रिया, जुड़े रहिए बस यूं ही, जी जुड़े रहिए, तो सलमान है हमारे साथ, जुड़े रहिए, हम भी जुड़े रहिए, हम तो सबसे जुड़ने की कोशिश कर ही रहे हैं, लगाने के लिए तैयार नहीं हो रहे, हम लोग कह रहे हैं बटाट वाला लगाओ, कह रहे हैं अभी मेरी बटाट हुई क्या है, छोर वही है डालमिया वाला, गोली लड़ाने आ रहे हैं, अपना आखिरी पेच हो सकता है अगर ये कट जाएंगे, जब तक काटते रहेंगे तब तक बने रहेंगे फाइनल में। नीचे से एक बार फिर से इमरान आते हुए, पिछला पेच जो काटा बहुत ही लाजवाब पेच काटा था जेबू भाई को हमारे, स्कोर है 8-5 का, पूरे 4 पेच काटने हैं गोल्डी भाई को हमारे एक ही पतंग से। आइए पेच फेरा जा रहा है नीचे से इमरान, ऊपर से गोल्डी भाई, फाइनल का मैच 64 टीमों ने भाग लिया था, शालम भाई, आशु भाई,
और बाकी सारे लोगों ने मिलके इस टूर्नामेंट को अंजाम दिया है। लेफ्ट साइड पतंग नीचे से, गोल्डी भाई की पतंग ऊपर राइट साइड लगी हुई, करीब कराया गोल्डी ने, गद्दा रखा, इन्होंने पट मारा, पट किया, वो गद्दा मारते चले जा रही, उन्होंने बाहर किया, अंदर उतारा, थपकियों पे रोका, झटक रहे हैं, झटक रहे हैं। गोल्डी भाई ने काट दिया ये पेच, गोल्डी भाई ने ये पेच काट दिया है। हमको तो एक बार लगा था पतंग डूब ही जाएगी, लेकिन झटके लगा दिए बिल्कुल, और शानदार ये पेच काटा, स्कोर कर लिया है 8-6 से, ज़िंदा रखा है ASC को अभी। वहाँ से इमरान पेच ले रहे हैं नीचे की तरफ से, और उधर से गोल्डी जेब कुछ बता रहे हैं। चलिए पेच फेरे जाएंगे अब, चलिए देखते हैं इस पेच को। डोर देने के लिए बोला जा रहा है, डमरू लेके आए हैं बिल्कुल अपना भारी पतंग। नीचे से इमरान खींचने वाली पतंग बिल्कुल हल्की फुल्की, देखते हैं कैसे क्या लड़ाना है इस पेज को। अनस लड़ा रहे हैं। हाँ चलिए, थोड़ी सी डोर निकालने के लिए बोला गया है, निकाल ली डोर, पेज फेर रहे हैं ऊपर से। अब आपको पतंग गोल्डी भाई की जो है सीधे हाथ को दिख रही है, पेज सही है। नीचे से है अनस, अनस को मैं कभी अमान कुछ बोले दे रहा हूँ, सब कुछ बोले दे रहा हूँ। चलिए चेहरे की तरफ बढ़ना स्टार्ट, जैसे ही वो पतंग है वैसे ही उस पतंग से लड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। अब अनस को जगह चाहिए, क्योंकि वो खींचने वाली पतंग है लेकिन जगह वो देंगे नहीं बिल्कुल। देखिए वो अंदर बढ़ते जा रहे हैं, और उतना वो चेहरे की तरफ अंदर लाए हैं गोल्डी भाई, और अंदर वो अंदर। अनस है यंग खिलाड़ी, बिल्कुल जज्बाती, सनलग 20 से खींचने वाले, तो वहीं बहुत इत्मीनान से गोल्डी लड़ाते हैं। देखना है, बहुत ज़्यादा एज का डिफरेंस है, एक्सपीरियंस का भी डिफरेंस है। चलिए हटाया, गोल्डी हटाने नहीं देंगे। थोड़ी सी बढ़ हो गई है गोल्डी की, और उनकी थोड़ी घट हो गई है, ये भी खतरा हो गया है अनस के लिए। लेकिन ठीक है, देखते हैं आखिरी में जो पेच होगा वो आपको दिखेगा। और नीचे से बढ़ के अंदर की तरफ बढ़ते चले जा रहे गोल्डी, और निकालते चले जा रहे। ये घेरा उन्होंने पट किया, थोड़ा और निकाला, अब अंदर लेके गए, निकलने नहीं देना चाह रहे गोल्डी अब। ठीक है, और घेरा, डोर भी ज़्यादा बांध रखी है, कहीं रील हाथ में ना जाए हमको तो ये लग रहा है। किसके? अनस के। और अंदर घेर रहे हैं, ठीक है, बढ़िया घेर लिया है अब सही जगह है, रखा वो दे छुए वो कटे, और गोल्डी के लिए तालियां बजाते हुए ऑडियंस। चलो भैया, ज़िंदा रखा है गोल्डी ने, बहुत बढ़िया, सिर्फ वेट से काट दिया पतंग ने, जैसे अंदर मोड़ा उन्होंने बस दो हाथ खींचा था, और छूते ही भक्क से जिसे कहते हो चल जाना, और शाबाशी मिलती हुई गोल्डी को। ये देखिए हाथ पीछे बांध के चल दिए। लेफ्ट साइड वाली पतंग नीचे से, पेच सही है, 8-7 का स्कोर है। देखते हैं भैया, गोल्डी भाई की पतंग राइट साइड, इससे पहले बहुत ही लाजवाब पेच काट दिया था। नीचे से हैं यासिर, पेच की रेंज मेरे पास से 350 मीटर, थोड़े रेंज कम हो गए, हवा भी दब गई है पूरी तरह से, लेकिन इतनी है कि आराम से पेच लड़ा। अंदर की तरफ जगह बनाते हुए गोल्डी, ऊंचा करते हुए यासिर, किसी हाल में ये आज ही पेच लड़ाने भी हैं, दो पेच होने ही हैं, बहुत मुश्किल से अगर गोल्डी काट देते हैं तो उसके बाद एक ही पेच होगा। 8-7 का स्कोर है, क्या होगा देखना है फाइनल का ये मैच। उधर सीनियर्स में आयशा ने, अफसर भाई ने टूर्नामेंट जीत लिया है, गुड्डे भाई सेकेंड स्थान पर रहे, और हमारे आसिफ भाई मोरंग वाले थर्ड पोजीशन पे बने रहे। थोड़ी देर करवा रहे हैं हमारे गोल्डी, दिक्कत ये नहीं है, दिक्कत ये है कि चार्ज कम है, तेज़ गद्दा दिखाया है सिर्फ, गद्दा मारेंगे नहीं, झूठ बोल रहे हैं, हमें पता था। और करीब कराते हुए वो अंदर लेके आ रहे हैं,
जल्दी से उतरने की कोशिश, देखिए सिर्फ एक मुड्ढा उनका ख़राब देखेंगे, वहीं खट से अंदर उतर जाएंगे, फिर वो बेबस हो जाएंगे, यही होता है। कोशिश कर रहे हैं, ऊंचा किया, उठा लिया, फिर से ऊंचा ऊंचा मुड्ढा करके दे रहे हैं। यासिर, यासिर ने 6-0 काट दिए थे। अंदर बढ़ रहे हैं, अब गोल्डी क्या करेंगे, चेहरे की तरफ भाग रहे हैं, फिर अंदर ला रहे हैं। ज़बरदस्त ये मैच होता हुआ, अरे यार जल्दी लड़ा लो, बैटरी भी मर जाएगी। ठीक है, गोल्डी की पतंग ऊपर देखिए, राइट साइड, बढ़ाया पतंग गोल्डी ने, पतंग को गोल्डी ने बढ़ा लिया, ज़्यादा दूर कर लिया नहीं। ठीक है, अंदर उतर रहे हैं गोल्डी, वो बाहर खींच रहे हैं, इन्होंने गद्दा बनाया गोल्डी ने, काट दिया है ये, और ये जीत लिया है। ये देखिए यहाँ पे 7 स्टार ने जीत लिया, 7 स्टार ने ये टूर्नामेंट जीत लिया, इन्होंने किस्मत से नहीं लड़ा के जीता है। बहुत बढ़िया, आखिरी पेज काटा है यासिर ने, यादगार पेज काट दिया है, बहुत बढ़िया। सालम भाई रो रहे हैं, इमोशनल हो रहे हैं, सामने से हटो, सामने से हटो, तो सालम भाई थोड़े से इमोशनल हो रहे हैं। और एएससी को कर दिया है बाहर, और आतिशबाजी भी हो रही है। चलिए बहुत बहुत बधाई है 7 स्टार को, बबलू भाई को, सारे टीम मेंबर्स को। चलिए आखिरी पेज यासिर ने काटा था, बहुत दमदार। तो 7 स्टार ने ये टूर्नामेंट जीत लिया, 64 टीमें भाग ली थी। बहुत बहुत बधाई भैया, सबको बहुत बहुत बधाई। जल्दी जल्दी करेंगे, जल्दी जल्दी। सालम भाई बहुत बहुत मुबारक आपको, बहुत बहुत भाई सब आप लोग की दुआएं, बहुत बहुत मुबारक, बढ़िया लड़ा आपने, आप लोग ने मेहनत। नया दौर, फोर्थ पोजीशन, नया दौर, जो 64 टीमों का ऑल इंडिया हो, ऑल इंडिया कह रहा हूँ मैं, IKFA द्वारा आयोजित 64 टीमों का लोकल टूर्नामेंट हुआ, और उनको 64 टीमों में फोर्थ पोजीशन आई है ये। चलिए बहुत बहुत बधाई, नया दौर, नया दौर को बहुत बहुत बधाई, फोर्थ पोजीशन। आइए 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 आइए, तीनों खिलाड़ी यहाँ पे मौजूद है, और बहुत बहुत बधाई।
फोर्थ प्राइज इनको मिला है, कैश पेमेंट भी मिला है। हाँ कैश भी मिला, बहुत बहुत बधाई अतुल, बहुत बहुत बधाई। आकाश आ गई है, आकाश आ गई है यहाँ पे। आकाश शाहरुख है हमारे, थर्ड प्राइज बहुत अच्छा गेम लड़ाया था इन लोगों ने, थर्ड और फोर्थ पोजीशन में। नीरज ये देखिए, धीरज आ गए। चलिए बहुत बढ़िया, आतिशबाजियां लगातार चल रही हैं। चलिए हार नहीं पहनेंगे, धीरज नाम है ना, बहुत बढ़िया पेज लड़ा है आपने, आप किसी से खिंचवा लीजिए। धीरज भाई ने बहुत ही अच्छे पेज लड़ाए हैं और शाहरुख ने भी थर्ड पोजीशन के लिए। चलिए थर्ड पोजीशन आई है आकाश का एक, बहुत बहुत बधाई हो आपको, बहुत बढ़िया पेज, बहुत बढ़िया ना। मांझा भरे हो कि ना है, दिखाओ मांझा। थर्ड प्राइज है, आइए थर्ड प्राइज दे रहे हैं हमारे। हाँ थर्ड प्राइज, ओ 15,000 रुपए थर्ड प्राइज, 15,000 एक बैग, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। कपूर गाइड सेंटर की तरफ से एक बैग इनको मिल रहा है, बहुत बहुत बधाई, 15,000 रुपए का इनाम। उधर आतिशबाजी चल रही है, 15,000 रुपए का, बहुत बहुत बधाई, बहुत बधाई। हाँ ऐसे जलाए रहे भैया, बहुत बहुत बधाई। चलिए आइए, बहुत बहुत बधाई। और आशु भाई भी आए हुए हैं, थर्ड पोजीशन कंप्लीट। चलिए सेकेंड पोजीशन आई है एएससी की, ट्रॉफी देखिए कितनी खूबसूरत ट्रॉफी है, ये देखिए सेकेंड प्राइज का कितना इनाम है, कैश प्राइज कितना इनाम है, 25,000, क्या बात है, बहुत बढ़िया, 25,000 का नगद पुरस्कार। एएससी को बुलाइए, आ रहे हैं। चलिए उसमें दिखेंगे आपको जेबू, गोल्डी और सलमान, अनार बचे। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, अच्छा टूर्नामेंट हुआ। और शालम भाई हमारे कमेटी में भी है और उन्हीं की टीम ने गजब का पेच लड़ा दिए, सारे पेच गजब के लड़ाए और उनके सामने बहुत मजबूत टीम थी। लेकिन ये बात साबित होती है कि टूर्नामेंट किस्मत का भी गेम होता है। और चलिए लगातार आतिशबाजी हो रही है, जल्दी से टीम को बुलाए। आ गई आ गई, हार है। चलिए आ रहे हैं, इधर से इधर है एससी के मेंबर, आ जाइए सलमान भाई भाई, अभी इसको बंद कर दो, तीनों लोग आ जाए, तीनों लोग खुला ही है और क्या बंद कर दूं। आ गए आए हैं सलमान भाई, जेबू बहुत बहुत बधाई और सालम भाई को बधाई दे रहे हैं जेबू भाई लोग, बहुत बहुत बधाई। चलिए ये देखो गोल्डी को बुलाया जा रहा है, गोल्डी किधर है। कोशिश पूरी की थी गोल्डी भाई ने, लेकिन ठीक है, इधर सामने देखो। हाँ चलो, सेकंड प्राइज 25,000 रुपए दिए जा रहे हैं एएससी और उस्ताद को। जी, बिल्कुल लीजिए, रिसीव करिए। बहुत बढ़िया, 25,000, बहुत बहुत बधाई, बहुत बढ़िया, सेकंड प्राइज। चलिए अगला, बहुत अच्छा लड़ाया है अभी तक आए, अब जीती हुई टीम चिल्लाओ। देखिए कपूर काइट सेंटर की तरफ से सेकंड प्राइज पे सलमान भाई के लिए सलमान का टोन इलाम, बहुत बढ़िया, सलमान का टोन दिया जा रहा है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सलमान भाई को, बहुत बहुत बधाई। चलिए भैया 7 स्टार भैया, तालियां बजा दो भैया, फर्स्ट प्राइज भैया, प्लेयरों को थोड़ा अनस, इमरान, यासिर और शालम, फर्स्ट प्राइज विनर है ये
यही है सालम भाई, 35,000 रुपए पहला इनाम जिसमें। चलिए आतिशबाजी भी लगातार होती हुई, बहुत बहुत बधाई। अनस हैं, इमरान हैं, यासिर हैं, बहुत ही अच्छे पेड़ लड़ाए। कमेटी की तरफ से पुरस्कार दिया गया है। जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी, आपने बहुत बढ़िया। चलिए बहुत बहुत बधाई आप सभी को। चलिए कपूर काइट सेंटर की तरफ से ले लो ए। तो एक और जो एक और ये कपूर काइट क्लब की तरफ से, हाँ सेंटर सेंटर की तरफ से बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत बधाई आप सभी को। तो बहुत बहुत बधाई भैया आप सभी का। इस तरह से ये टूर्नामेंट कंप्लीट हो गया जिसमें सीनियर्स भी थे और यंगस्टर्स भी थे, और वो देखिए।